हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फंटाजी एक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो सूर्यवंशम का फर्स्ट सीन देखा था अमिताभ बच्चन जी, और आपके कमेंट्स देखे, आपने बोला वो एक अनुपम खेर था एक्टर, और दूसरा उसके साथ कादर खान था। तो ये तीनों मिलकर हमें हंसा रहे थे और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो नेक्स्ट सीन आ गया है उसका, सूर्यवंशम मूवी का, देखते हैं कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ये फौजी यहाँ कहाँ से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा। इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। कौन है? धर्मेंद्र है। जी, वो बाहर गए हैं दर्जी के पास लेकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्बो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना, पराए लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ओछी हो गई है, नजर कहीं होती है निशाना कहीं और। मैंने आपके पास, आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस मैन वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है, तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय। बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, कौन है जी? मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी, इत्तेफाक से भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये रही आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है, उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ। चल पैसा निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा। याद रखना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 35 तारीख? अब एक बात बता, इस गांव में कितने दिन का महीना होता है? तुम, अरे यार, तुम मेरी बात का जवाब दे। सामने वाला वो, हाँ वो साथ वाली खिड़की, आपसे। अच्छा नहीं यार, 35 तारीख, रुको ना यार। अरे तुम भाई, तुम 35 तारीख कहाँ है? तू बोला तुम काका, काकी कैसी है? हाँ, उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे, एक मिनट, हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। बात करते वक्त इतना कंफ्यूज क्यों था काका? काहे का काका, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो उंगली कर रहा था। ये साले लड़ झगड़ के बस पे चढ़ जाते हैं और फिर धक्का मुक्की करके खिड़की वाली सीट पर कब्जा करके सो जाते हैं, साले सुस्त मुर्गे। अब ये सारे रास्ते परेशान रहेगा ये सोच सोच के कि खिड़की पर सर मारता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इसे कहाँ मिला था, मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है, वगैरह वगैरह। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। मजा आता है तो 35 तारीख कभी आएगी, मेरा पैसा कभी आएगा? वो आ गई। मैं, आपने वो आपको बुला रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपने बहन जी, आपने, आप ही नहीं, वो ये आपको बुला रहे हैं। नहीं, 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 पीछे वाला। सुनो, सुनो, देखो क्या, क्या रे, कैसा है? अरे बड़े भाई, कैसे हो? भाभी कैसी है? ठीक ठाक है ना? उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। सुन रहे हो ना? तुमको रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे, एक लीटर दारू पिएंगे, क्या? ओके, बाय, चिरियो। क्या तेरा भाई था वो? अरे काय का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है, आज मैंने बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। अरे काय की उंगली, मेरे बचपन का दोस्त था, स्कूल में साथ पढ़ते थे हम। बचपन का दोस्त? मेरे बेटे की उम्र का है। अरे वो तो एक ही क्लास में बहुत बार फेल हुआ था ना, इसलिए बड़ा ही नहीं हुआ, समझे? एक ही क्लास में साथ पढ़ता था। चलो ये Thank you.
और दूसरा बोरी देना चल। एक दो तीन चार। मुझसे कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में है, मालिक बैठकर काम करता है तो हम लेटकर काम करते हैं, यही काम करते हैं। सात। बस कीजिए, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या समझते हैं आपसे इस तरह काम करवा के मैं कलेक्टर बन सकती हूँ? बस बस रहने दीजिए। तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसके सिवा और काम भी क्या कर सकता हूं? फिर तकलीफ तो हमारी तकदीर है। इंसान तदबीर करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो एक पुरानी बस खरीद लो, तुम चलाना भी जानते हो। पैसे कहां से लूंगा? जिसके पास बस में चलने का किराया नहीं हो वो बस कहां से खरीदेगा? पैसे मुझसे ले लो। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई कर्ज समझ के ले लो, आ जाए तो लौटा देना। और नहीं आया तो? बचपन से दुखों का इतना बोझ उठाया है कि अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। देखो हीरा, मैं तुम्हें अपना समझ के हाथ बढ़ा रहा हूं, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो हाथ मिलाओ। देखिए कि मेरा यहां रुकना ही बेकार है, तुम मुझे अगर समझते हो तो मैं चलता हूं। अरे अंकल रुकिए। अंकल ठीक कहते हैं, ये पराए नहीं है, इनसे कर्ज लेकर बस खरीद लीजिए, सूद के साथ लौटा देंगे। ब्रदर लेकिन। अरे क्या लेकिन लेकिन, चलो चल के बस खरीदो। सारे दोस्त और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है। अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे? कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे? वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है एक फुलझड़ी है, उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। रुकी ना दिल की धड़कने, करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटू? अजी आप कहाँ कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट? अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज कितना बीवी की मार खाएगा? इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो, झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना, अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या? ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की, लेकिन झूमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। ₹20 निकालो। ₹30? ₹30 क्यों? दूसरी बस वाले तो ₹20 लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। हाँ तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ, ये लीजिए। ये लो टिकट, कल आ जाना। कल? और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता? अरे नहीं हो सकता तो पैसे वापस दो। अरे बस वाले बाबू मेरा भी टिकट काट दो। कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काहे को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, छुपकर मजा तो ले सकता हूँ ना। लेडी कंडक्टर। अरे 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 अरे
किसने कहा था टिकट काटने के लिए लड़की रखने को? इस तरह पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अगर बस में कोई चढ़ नहीं रहा था तो खड़े रहने देते उसे। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया, अपने आप को डुबा सकता हूँ उनके नाम को नहीं। ले जाओ रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सीन का हमने समझ नहीं आया क्योंकि वो लड़की पहले गुस्सा हो रही थी जब पहले हमने देखा था वो अमिताभ बच्चन पर, लेकिन अभी शादी भी हो गई और अमिताभ बच्चन मजदूरी कर रहा है और ये इसके जो दोस्त हैं ये साथी दोनों कादिर खान और अनुपम खेर दोनों ही कमाल के एक्टर हैं भाई साहब। इतने ऐसी मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, पहले औरत दोनों एक दूसरे को चूना लगा रहे थे, उसके बाद लोगों को चूना लगा रहे थे, सारे बुड्ढे बुड्ढे जो थे वो भी आ गए, अंधा भी आ गया वो भी मजा लेने के लिए। भाई कमाल की है मूवी है और इसका ये सीन भी बड़ा अच्छा था। लास्ट में थोड़ा बहुत अमिताभ बच्चन ने उनको गुस्सा किया कि ये गलत है, लड़की को लेकर आप कमाई कर रहे हो ये गलत बात है, तो मजा आ गया। मजे की बात ही कुछ और है। हमने तो कंडक्टर देखे हैं तो ये तो फर्स्ट मर्तबा हमने वो लड़की देखी है कंडक्टर, वो भी सारे के सारे जो उधर के बुढ़े हैं वो भी तैयार हो गए, कोई कंगा दे रहा है तो कोई अलीबा की टिकट तो छोड़ो वो लास्ट वाली टिकट कटवा रहे हैं। ये कौन सा है भाई? ये कादर खान और अनुपम सर जी की तो एक्टिंग तो बड़ी है, एक से एक ही है दोनों की। यार बहुत अच्छा लगा ये वाला, वो जो बस में तंग करता है ना आते लाके जो लोगों को, भाई वो कहता है कि खिड़कियों के पास बैठते हैं लड़ झड़ कर और मैं इसको तंग करता हूँ। वो दूसरा बंदा जो आया ना वो इसको ऐसा चूना लगाया, वो भाई जो फौजी था वो भी हतरा था, भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है तुम ऐसा करते हो। तो यार ये बहुत अच्छा लगा, ये लड़की वाला जो कंडक्टर था, अब ये बूढ़े लोग आ रहे थे अंधे आ रहे थे, बड़ा मजा आया यार ये देखकर। क्या मजे वाली मूवी है यार, इसको हम आगे देखेंगे बड़ा शौक से। बिल्कुल यार ये लेजेंड अदाकार हैं सारे, हमने बहुत इंजॉय किया इनको देखकर। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।